हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का टोटल यूज। मतलब ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली के जितना भी यूजेज हैं आज कंप्लीट कर लेना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक एक पॉइंट को समझ सकें। होता क्या है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी बात जब पूछना पड़ता है तब वहाँ पर आप सस्पिशन से भर जाते हैं, इस बातों को हम कैसे पूछें। बस इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी का यूज सही तरीके से जानना जरूरी है, और ख़ासकर हम प्रीपोजिशन का भी हेल्प ले रहे हैं। अगर आपको पूछना हो, किसी से पूछना हो कि तुम किस पर देख रहे हो, किसका बच्चा रो रहा है, या फिर इसी तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मैं तुम्हें इतने दिनों से खोज रहा था, तो कई सवाल ऐसे आते हैं कि आपको बोलने में कठिनाइयाँ होती है। अगर इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, अभी हम टोटल 12 फैमिली वर्ड्स के बताने जा रहे हैं, जो डब्ल्यू एच का फैमिली वर्ड्स है, टोटल 12 का यूजेज बताने जा रहे हैं ताकि आप इससे संबंधित कोई गलती ना करें। तो कुछ सवाल सोचे दिमाग में कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, तुम किस नेता के बारे में बता रहे हो, वह किसके बारे में चर्चा कर रहा है, अब किसके बारे में चर्चा कर रहा है, तो इस तरीके को हम कैसे यूज करें, कौन सा टेंस पर यूज होगा, कौन मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे, इन सभी को आप अभी जान लीजिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बता दें कि मैं रोज़ सवेरे 5 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ रोज, तो मॉर्निंग में इसी बहाने आप सवेरे सवेरे उठ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रयास कीजिए रोज़ सवेरे 5 बजे उठिए और हमारे वीडियो को देखिए और बिछावन पर बैठे बैठे कुछ नया सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर है हूज, बिल्कुल सिंपल चीज़ है हूज। हूज मीन्स होता है किसका, किसका या किसकी, किसी से पूछना है या किसकी कलम है, कैसे बोलेंगे देखते हैं। Whose child is weeping, किसका बच्चा रो रहा है। Whose pen is fallen, और किसका कलम गिरा हुआ है। Whose hanky is this, और यह किसका रुमाल है। Whose bicycle is over there, और वहाँ पर किसका साइकिल लगा हुआ है। तो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में उसका संबंध पूछना है कि वह किसका है, अधिकार के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई ये सामान किसका है, वो बच्चा किसका है, वो साइकिल किसका है, या कलम किसकी है, या किताब किसकी है। तो हुज, उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में मेन वर्ब का यूज करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, और खासकर जो बेसिक पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे जुबान पर रखिए। चलिए अब है सिंस वेन, किसी से पूछ रहे हैं कि अरे तुम यहाँ कब से हो, तुम दिल्ली में कब से हो, तो फिर आप कैसे पूछेंगे। तो सिंस वेन का मतलब होता है कब से, पॉइंट ऑफ टाइम इसके जरिए पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कब से। जैसे सिंस वेन हैव यू बीन हियर, तुम यहाँ कब से हो। सिंस वेन हैज इट बीन रेनिंग, कब से वर्षा हो रही है, कब से वर्षा हो रही है। सिंस वेन हैज इट बीन रेनिंग, कब से वर्षा हो रही है। तुम कब से सो रहे हो, सिंस वेन हैव यू बीन स्लीपिंग, वह कब से उदास है, सिंस वेन हैज शी बीन सैड। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को अराइज कर सकते हैं और इसको बोलने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है एट होम, देखते हैं एट होम। एट होम का मतलब है किस व्यक्ति पर, किसी चीज पर नहीं, ऐसा नहीं कि टेबल पे, कुर्सी पे, ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति पर के बारे में बोलेंगे। जैसे किस पर, अब देखते हैं एट होम आर यू लुकिंग, तुम किस पर देख रहे हो, ये किसी व्यक्ति पर देखने के लिए, किस व्यक्ति पर देखने के लिए एट होम का प्रयोग करेंगे। तो एट होम आर यू लुकिंग, तुम कुछ किस पर देख रहे हो। एट होम इज सी लाफिंग, वह किस पर हंस रही है। तुम किस पर पत्थर फेंक रहे हो, एट होम आर यू थ्रोइंग अ स्टोन। तो किसी भी व्यक्ति पर के लिए आप एट होम का प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप दिमाग में रखेंगे। और नेक्स्ट है बाय होम का मतलब कोई कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये जानने के लिए बाय होम का प्रयोग करेंगे। तो किसके द्वारा,
किसके द्वारा, कोई कार्य किसके द्वारा किया गया या किया जा रहा है, किया जाएगा, तो इसे जानने के लिए बाय होम का प्रयोग करेंगे। तो बाय होम वॉज दिस बुक रिटेन, किसके द्वारा यह किताब लिखा गया, ये जानने के लिए बाय होम का प्रयोग करेंगे। बाय होम वॉज द चाइल्ड बीटेन, किसके द्वारा इस चाइल्ड को, इस बच्चा को पीटा गया, हम ये जानना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में बाय होम का प्रयोग करेंगे, याद रखिए। नेक्स्ट है, बाय होम हैज दिस लेटर बीन टॉर्न, और किसके द्वारा यह पत्र फाड़ दिया गया है। लेकिन याद रखेंगे इन सभी का प्रयोग करने के लिए थोड़ी बहुत आपको टेंस, मॉडल वर्ब्स, ये सब जानना जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैसिव का यूज किया गया है, तो पैसिव जानना भी जरूरी है। By whom was this work done? और किसके द्वारा यह कार्य को, इस काम को किया गया, तो इस तरीके से by whom का प्रयोग करेंगे किसके द्वारा जानने के लिए। अब नेक्स्ट है, about whom का मतलब है किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम about whom का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ जानना होगा तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है कि भाई किसके बारे में तुम बोल रहे हो, तो अबाउट होम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, इन विच का मतलब है किस में, अब ये किसी वस्तु के लिए हम बोध करेंगे किस में, तो देख लेते हैं किस में, जैसे इन विच स्कूल डू यू रीड, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, इन विच हाउस डू यू लिव, तुम किस घर में रहते हो, तो इस तरीके से जैसे पूछ सकते हैं कि भाई किस जेब में पैसा है, किस अलमीरा में सामान है, तो इस सब के लिए आप इन विच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी देख लेते हैं ताकि डब्ल्यू एच फैमिली के जितने भी वर्ड्स हैं करीब करीब ये इस पर कमांड हो जाए। और चलिए और इसे भी देख लेते हैं, और सबसे पहले हाउ फार, जब भी किसी चीज़ का दूरी पूछना हो, डिस्टेंस पूछना हो कि कितना दूरी है, तो आप हाउ फार का यूज कीजिए। कैसे, तो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर, कितना दूर। हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है, अगर आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज हिज स्कूल फ्रॉम हियर बोल सकते हैं, तो तुम्हारा घर या फिर उसका स्कूल कितना दूर है यहाँ से, तो फ्रॉम हियर। हाउ फार इज द स्टेशन, और स्टेशन कितना दूर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो कितना दूर के लिए हाउ फार और उसके बाद में इज आर जो भी आपको यूज करना है, और डिस्टेंस के बारे में पूछना है, इसलिए यहाँ पर इज ही बोलेंगे, हाउ फार इज, हाउ फार इज याद रखेंगे आप। हाउ फार इज द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कितना दूर है, दूरी पूछने के लिए हाउ फार का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, हम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं कितने समय तक, कब तक, तो हम लिखेंगे यहां पर कब तक, है ना। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कब तक रुकोगे, तुम यहां कब तक ठहरोगे, तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग कब तक के लिए, ड्यूरेशन पूछने के लिए आप बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल यू लिव इन पटना, तुम पटना में कब तक रहोगे बताओ भाई, 2 महीने, 4 महीने, कब तक रहोगे बोलो, तो हाउ यहाँ पर हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू लिव इन पटना, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन पटना, हाउ लॉन्ग विल यू लर्न इन इंग्लिश, तो कुछ भी जो पूछना हो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच का मतलब है कितना, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे जिससे आप गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाउन के साथ यूज करेंगे। तो देखते हैं हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो, मान लीजिए पूछना है कि तुम कितना दूध पीते हो, तो आप बोलेंगे हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक पूछने के लिए। हाउ मच टाइम डू यू टेक रेस्ट, तुम कितना समय आराम करते हो, हाउ मच टाइम डू यू टेक रेस्ट, तुम कितना समय आराम करते हो। हाउ मच वाटर शुड बी ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए, अगर आपको पूछना हो कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो आप बोलेंगे हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, ऐसे पूछेंगे। चले नेक्स्ट है हाउ मेनी का प्रयोग क्यों करेंगे, जहाँ पर जिस वस्तु को आप गिन सकते हैं, संख्या
जिसका आप बोल सकते हैं, उसमें आप हाउ मेनी का यूज करेंगे, तो लिखते हैं कितना। जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हें कितना दोस्त है, संख्या में बोलना है कि तुम्हें कितना दोस्त है, तो हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी पेन डिड यू बाय, तुमने कितना कलम खरीदा, संख्या पूछ रहे हैं कि तुमने कितना पेन को खरीदा है, खरीदा। तो हाउ मेनी, यहाँ पर है बॉयज आर दीज देयर, हाउ मेनी बॉयज आर देयर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कितने लड़के हैं, वहाँ पर कितने लड़के हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो संख्या पूछने के लिए आप हाउ मेनी का यूज कीजिए। चलिए विद होम इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है होम के साथ में। होम का मतलब तो आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए बोल किया जाता है, तो विद होम का मतलब है किसके साथ। अब किसके साथ लिखेंगे, किसके साथ, आखिर इसे बोलेंगे कैसे, तो विद होम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, कहीं पर जाने की बात है तो तुम किसके साथ जा रहे हो। नेक्स्ट है विद होम इज सी इज ही कमिंग, वह किसके साथ आ रहा है, तुम किसके साथ खा रहे हो, तुम किसके साथ बैठे हुए हो, तो इन सभी में आप विद होम का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम होम, रेयरली यूज होता है लेकिन इन सभी को जानना जरूरी है। अगर कंसेप्ट को समझ जाते हैं कि होम का, होम के साथ में प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, क्या मीनिंग होगा, कब यूज करना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रॉम होम का मतलब है किसके यहाँ से, किसके यहाँ से। अब इसको अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आप समझ गए हैं कि फ्रॉम होम का मतलब होता है किसके यहाँ से, तो अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्रॉम होम इज सी कमिंग, वह किसके यहाँ से आ रही है, किसी व्यक्ति के यहाँ से आने वाली बात में आप बोलेंगे फ्रॉम होम इज सी कमिंग, वह किसके यहाँ से आ रही है। फ्रॉम होम डू यू बाय द बुक, तुम किताब किसके यहाँ से खरीदते हो। फ्रॉम होम आर यू स्पीकिंग, तुम किन के यहाँ से बोल रहे हो, किसी घर के बारे में बोल रहे हैं, किसी हेड पर्सन के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि तुम किन के यहाँ से बोल रहे हो। कोई बच्चा बोल रहा है तो हम पूछेंगे भाई तुम किन के यहाँ से बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो फ्रॉम होम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रोज सवेरे 5 बजे जागने का प्रयास कीजिए। ऐसे भी सफल लोगों को सवेरे 5 बजे या उससे पहले उठना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। तो हमारे वीडियो को देखने के बहाने ही सही, अगर आप 5 बजे उठने लगते हैं तो बहुत बड़ी क्वालिटी आप में आ जाएगी। तो क्यों ना रोज सवेरे 5 बजे उठिए और बिछावन पर ही मेरे वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि रोज आपको नया वीडियो आपको दें। उसके बाद 15 वर्ड्स हम रोज अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो सवेरे सवेरे ही उस वर्ड्स को भी आप नोट डाउन कर लें। मतलब ये है कि हमारे बहाने ही सही, आप 5 बजे सवेरे उठना शुरू कर दीजिए और कुछ नया सीखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।